बहुत टाइम हो गया था मैंने हेयर कट नहीं करवाया था, तो सोचा थोड़ा सा करवा लेती हूँ, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। अगर आप नहीं करवाते हैं तो कहीं ना कहीं बाल ज़्यादा झड़ते हैं, और अगर आप थोड़ा सा इनको ट्रिम या फिर कटिंग करवाते रहते हैं तो फिर बाल सही रहते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हेयर कट करवाने के बाद थोड़ा सा हेयर फॉल कम होता है। तो यहाँ पर भैया बोल रहे थे कि आजकल ना नीचे से सिर्फ मतलब एक सा स्ट्रेट कट चल रहा है, लेकिन मुझे वो ज़्यादा पसंद नहीं आता, क्योंकि मतलब सीधे सीधे बाल और बिल्कुल एक से कट, तो वो मुझे ज़्यादा नहीं समझ में आता। ना मैंने वैसा कभी करवाया है और ना मैं ट्राई करती हूँ कि अलग से बदल के कुछ करवाओ। मुझे जो पसंद है, जो मैं हमेशा हेयर कट लेती हूँ, वही वाला मैंने इसमें हेयर कट लिया है। तो कुछ ऐसा था मेरा हेयर कट, तो अच्छा लग रहा था। और इसके बाद मैं गई नर्सरी, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने प्लांट्स नहीं खरीदे थे और जिनकी मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। मुझे वैसे भी प्लांट्स लगाने का बहुत ज़्यादा शौक है, और बहुत टाइम से मैं ना खरीदने जा ही नहीं पा रही थी। तो अभी देखो, बेल वाले प्लांट या फिर जिनकी नरम डंडियां होती हैं, उनको आप इस सीजन में लगा लीजिए, लेकर आ जाइए, तो बहुत अच्छे से ये प्लांट्स लग जाएंगे। और यहाँ पर काफी वैरायटी के प्लांट्स दिख रहे थे, और कुछ मुझे जो चाहिए थे वो तो इनके पास नहीं मिले, तो मैंने बोल दिया था भैया से कि आप लेकर रखना। तो इस सीजन में अगर आप लगाएंगे ना, तो बहुत ही अच्छे से प्लांट मतलब लग जाएंगे। और देखो, ये तो मैं कुछ प्लांट्स लेकर आ गई थी घर पर, और साथ में ना अभी मेरे पास मिट्टी भी खत्म हो गई थी, तो वो भी मैं ना खरीद कर लेकर आ गई थी। बहुत दिनों बाद मैं प्लांट्स लेकर आई हूँ। वैसे तो मैं बहुत बार लेकर आती रहती थी, लेकिन अभी इतने दिनों से मौका ही नहीं मिल रहा प्लांट्स लाने का। तो कल मैं लेकर आई थी, मैंने आपके साथ शेयर किया था, तो कल तो मैं नहीं लगा पाई थी क्योंकि बहुत ज्यादा मुझे काम था और भी। तो अभी मैं उनको लगाने वाली हूँ। मैं साथ में दिखा देती हूँ कौन से प्लांट्स मैं लेकर आई हूँ, और ये विंटर्स में इजिली लग जाते हैं। अच्छा, तो देखो, ये तो मैंने आपको दिखा दिए थे मैं लेकर आई हूँ। इसमें मिट्टी लेकर आई थी अलग से, क्योंकि मेरे पास सारी मिट्टी भी खत्म हो गई थी और प्लांट्स भी मतलब कम ही हो गए थे। अभी तो मैं ये नए लेके आई हूँ, दिखाती हूँ कौन से प्लांट्स हैं। अभी मैं थोड़े ही लेकर आई थी क्योंकि गाड़ी पे मुझसे इतनी बन पाई, क्योंकि मिट्टी भी थी और प्लांट्स भी थे, तो इतना सारा तो आगे रखा हो नहीं रहा था, तो मैं अभी इतने ही लेकर आई हूँ, फिर कभी और लेकर आऊंगी। और अभी ना बहुत अच्छा सीजन है, अगर आपको भी शौक है ना प्लांट्स लगाने का, तो इस सीजन में आप लगाइए प्लांट्स। बहुत अच्छा मतलब मौसम रहता है, बहुत अच्छे से प्लांट्स लग जाते हैं सीजन में। जैसे गर्मियों में क्या होता है कि प्लांट पानी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इतने अच्छे से लग नहीं पाते हैं, उतनी केयर भी नहीं हो पाती, क्योंकि आप कितने भी अच्छे से उसको शेड में रखो या कितना भी उसमें मतलब पानी डालो, वो कहीं ना कहीं सूखते हैं, खराब होते हैं। क्या हुआ? ओके। और पर सबसे अच्छा जो सीजन रहता है वो विंटर्स का रहता है, क्योंकि उसमें आप हिसाब से पानी भी डाल सकते हैं, ठंडा मौसम रहता है, तो इतने ज्यादा प्लांट्स मतलब खराब नहीं होते हैं और लंबे टाइम तक अच्छे से चलते हैं। और मैं ना ऐसा कुछ अलग से लेकर नहीं गई थी जिसमें प्लांट्स रखकर ला सकूंगी। और देखो, मैं एक एक करके निकाल देती हूँ सारे प्लांट्स। ये वाला जो प्लांट है ना, ये मनी प्लांट टाइप का ही प्लांट है, बस थोड़ा सा ना पत्ते डिफरेंट है, बाकी उसी तरीके से ही इसकी बेल रहती है। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये वाला प्लांट, और ऐसा मेरे पास पहले तो नहीं था, तो मैं इस बार लेकर आई हूँ। और ये एक और प्लांट है, जेड प्लांट मतलब क्रसुला जिसको बोलते हैं। इस प्लांट को लगाना भी ना घर में बहुत अच्छा होता है, और मैंने इसके ऊपर भी दो तीन वीडियोस और बनाई हैं, आप वो भी देख सकते हैं अगर इसके बारे में अगर आपको डिटेल जानना है तो। बहुत ही लकी प्लांट होता है ये, और इस प्लांट को ना सही डायरेक्शन में लगाया जाता है, तो वो भी मैंने बाकी वीडियोज़ में शेयर किया है, तो आप चाहे तो वो वीडियोस भी देख सकते हैं। ये गुलाब का इसकी ना लाते वक्त ये ना ये टूट गई है, कल ही बहुत अच्छा फूल आ रहा था, लेकिन ये ना उससे लाते वक्त ना थोड़ा सा टूट गया, मैंने ध्यान नहीं दे पाया, घर आके देखा तो ये थोड़ा सा टूट रहा था। बाकी ये लग जाएगा, ये वाला प्लांट लेके आई हूँ मैं, इसको अंदर भी लगा सकते हो, बहुत सुंदर लगता है। फ्लावर आते हैं, बहुत सुंदर मुझे ये लगा, क्योंकि देखो इतने छोटे से पेड़ में ना
ये सारा बिल्कुल ऐसा है। चलिए अब मैं इनको लगाने के लिए जा रही हूँ। चलिए और यहाँ पर ना कुछ गमले मेरे पास पहले से ही रखे हुए थे, तो इनकी जो मिट्टी थी वो मैंने खाली कर दी थी और बस अभी जो नए प्लांट्स हैं वो मैं इसमें लगा रही हूँ। अभी ना जो मिट्टी मैं लेकर आई थी ना तो वो थोड़ी सी गीली थी, तो इसलिए मैं उसे थोड़ी देर सुखा लूंगी और उसके बाद मैं इन गमलों में डाल दूंगी। तो आज तो मिट्टी मैं नहीं डाल रही हूँ, थोड़ी बहुत बस यही डाल देती हूँ और कल अच्छे से सुखा कर फिर मैं इनमें गमलों में डाल दूंगी। अब ना ये मेरे हाथ बहुत ज्यादा गंदे हो गए हैं, तो चलिए चलो काम भी हो गया मेरा। बस देखो ये गमले भी मैंने अच्छे से जमा दिए सारे लाइन से, और ये जो गंदा हो गया ना ये भी मुझे ही साफ करना पड़ेगा अभी। तो देखो प्लांट्स लगाने में जितना अच्छा लगता है ना फिर बाद में साफ भी उतना ही करना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, ये तो साफ मैंने कर दिया है। और देखो रात में मैंने बनाया था मेरी बेटी के लिए पिज्जा, तो वो ऐसे बहुत ज्यादा तो नहीं खाती है, थोड़ा बहुत ही खाएगी, पर बहुत ही टेस्टी बना था। और बस अब मैं करूंगी रात के खाने की तैयारी। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।